क्लासिफिकेशन होंगी है पर स्कूल में आए स्टूडेंट आए स्कूल में ठीक है हाँ उन्होंने डिवाइड क्या में डिफरेंट क्लासेस में ठीक है डिफरेंट ग्रुप में उनके क्लास हाँ हिसाब से क्या तो अस उनकी एज दिखा या उनकी जो मेंटल लेवल आ एजुकेशन मतलब उनमें सिमिलरिटीज दिखा ठीक है उन सिमिलरिटीज के बुनियाद से अस उनके मुख्तलिफ़ क्लास में रखना इं ही लेकिन अस क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स तो हों क्लासिफिकेशन भी है अस प्लेस क्या ठीक है प्लेस डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है जेके भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स उनके क्या प्लेस क्या में डिफरेंट उनके क्या क्या में प्लेस ग्रुप्स में ठीक है क्या में प्लेस प्लेस क्या ग्रुप्स में बुनियाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑन बेसिस ऑफ सिमिलेटर सिमिलरिटी ठीक है LARTIES तो उनमें जो एक जड़ा होंद सिमिलरिटीज या जो अलाइक्स होंद उनमें एक जड़ा होंद उन बुनियाद से असा उनके प्लेस क्या डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके प्लेस क्या ग्रुप्स में ठीक है जो डिफरेंट ग्रुप्स उनसे तो उनमें अस उन ग्रुप्स में बुनियाद से उनके डिवाइड क्या ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज माना उनमें जो एक जड़ा हुआ ठीक है या उन बॉडी एक जड़ी है या वो खाधो एक जड़ो था खाएन या उन रहने की जगह एक जड़ी है ठीक है तो उन हिसाब से असा उनके क्लासिफाई कहते या प्लेस क्या या उनके अस क्लासिफाई चुं क्लासिफाई कहते डिफरेंट ग्रुप्स में तो हाँ ये डिफरेंट ग्रुप्स हूँ वो हूँ बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज उनके बुनियाद हाँ जो असूँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन अस कई है उनमें अस जेके इनजा ग्रुप ठाया वो घना पैं जो क्लासिफिकेशन थियल ही उनमें ब ग्रुप हुआ एक एनिमल्स प्लांट्स जी तो माना टेक्नोलॉजी जो दौर आ इलाही शूं उनमें डिठी हुई हाँ उन बुनियाद से असा जी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी आज या लिविंग थिंग्स उनके पंज ग्रुपन में विरा है ठीक है तो इनमें पैं अस अची वन बैक्टीरिया एल्जी फंजाई प्लांट्स आखिर में एनिमल ठीक है तो हाँ ये असा पंज ग्रुप थी तो हाँ पे अस अचूँ बैक्टीरिया से हाँ बैक्टीरिया बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ठीक है बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर मीन्स के एक वन सेल्ड तो यूनिसेल्युलर में जो है सेल जो है उनमें सेल वाल भी प्रेजेंट है ठीक है इनमें प्रेजेंट सेल वाल यूनिसेल्युलर सेल वाल प्रेजेंट थन उन गन में एक मेन खासियत है बैक्टीरिया के असठींदा बो इन अस ग्रुप के पे इनके अस प्रो कैरियोट भी कोठी ठीक है प्रो कैरियोट प्रो कैरियोट छो को छो तो इन में प्रॉपर न्यूक्लियस न होंगे ठीक है प्रॉपर न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन में प्रेजेंट न होंगे प्रॉपर न्यूक्लियस जैसे कर प्रो कैरियोट को प्रो जो मकसद आ विदाउट ठीक है विदाउट कैरियोट अस कोठी न्यूक्लियस के ठीक है क्या कोठी न्यूक्लियस के तो ये इनमें न्यूक्लियस मौजूद न होंद इन अस प्रो कैरियोट्स भी कोठी न्यूक्लियर के जाए तो इनमें न्यूक्लियर मटीरियल मौजूद हों ठीक ओके तो हाँ जो असों तो एयर हंध मौजूद हों एयर में भी आज सॉयल में भी आज वाटर में भी
बैक्टीरिया मौजूद हूं इवन माना जो भी एनिमल प्लांट्स आज उन सभी में मौजूद आज छो तो जरासीम तकरीबन हर एक जगह से ही मौजूद है। लेकिन एलजी अगर दिखो तो एलजी भी चाहे यूनिसेल्युलर में भी सेल वाल होंगी है इन मेन जो प्रॉपर्टी है वो आए तो इन में क्लोरोफिल भी मौजूद हूँ। ठीक है, क्लोरोफिल हों ग्रीन पिगमेंट आड़ो मादो आको फोटोसिंथेसिस जो अमल आ फोटोसिंथेसिस उनमें हेल्प कह इनके एलजी के कोटिंदा इन मौजूदगी के कर आटोट्राफ हेटोट्राफ पढ़ल हूँ तवजा तो आटोट्राफ उ ऑर्गेनिजम्स जो खाधो पा तैयार कन हेटोट्राफ असा उ बेन डिपेंड कर बैक्टीरिया के भी दिखाऊँ एलजी के दिखाऊँ तो ये असा में डिफरेंट डिजीज प्रोड्यूस कर ठीक है बई जो बैक्टीरिया एलजी इन डिजीज अस माना बैक्टीरिया तो कॉमन असि डायरिया टीबी आ ठीक है ये बैक्टीरिया के करे कॉमन जो बीमार थन थी पाँ जो एलजी के ये भी बो असा फूड सोर्स के तौर भी कम इंद मेन जगह है एलजी में तो असें करना एक तो इनमें सेल वाल है या इनमें इंदा क्लोरोफिल तो एलजी शा है आटोट्राफ ठीक है ये पॉइंट टेस्ट में अची सके उन फंजी जो यो भी मल्टी सेल्युलर भी यूनिसेल्युलर भी ठीक है यूनिसेल्युलर भी तो मल्टी सेल्युलर जो मिसाल तौर असो ये है खुंबी जो होंगी इंग्लिश में मशरूम ठीक है यहाँ जी मशरूम या मल्टी सेल्युलर है फंजी है यूनिसेल्युलर में असो अची वे यीस्ट जो खमीर हों तो दही वगैरह खाने ला कन तो इन में भी सेल वाल होंगी है जो सेल आज उनमें सेल वाल इन में न्यूक्लियस हों प्रॉपर ठीक है ये जो असा एलजी ये असा हेटरोट्राफ ठीक है ये शायद हेटोट्राफ मतलब इन में क्लोरोफिल मौजूद न हों प्लांट लाइक तो इन में सेल वाल भी होंगी है बूटे वागुर ही फुटंदा जमीन में पर ये पाँच खाधो पा तैयार न कह हड़ी किथा हासिल कह जो कोई भी जमीन में गरियल सड़ियल मादो हों कोई माना खास कर उन जगह जिसे थोड़ी आली जमीन मॉइस्ट हो तो ये असा आटोट्राफ ना इनके हेटोट्राफ को ठीक है तो खाधो पा तैयार न कह इन में भी कुछ आज जो डिजीज पैदा कह ठीक है फंजी में भी कुछ अड़ी फंजी जी अस डिजीज थी पैदा कर प्लांट्स ये मल्टी सेल्युलर इन में सेल वाल होंगी ठीक है इन में भी हों क्लोरोफिल क्लोरोफिल इन में भी मौजूद हों उनके करे ही शायन आटोट्राफन इनके असा प्लांट्स के प्रोड्यूसर भी कोटिंदा ठीक है छो तो माना जो तकरीबन खाधो है सज की रोशनी में अस प्रोड्यूस जो कह शायन प्लांट्स हाँ जो प्लांट दे तो अस प्लांट्स में हों इन में अस रूट्स भी होंद्य ठीक है इन जो स्टीम हों इन गुन में हों मथे लीव्स एनिमल्स दे चो एनिमल भी हों मल्टी सेल्युलर कुछ में भी यूनिसेल्युलर बराबर घने कदर मल्टी सेल्युलर इन में न्यूक्लियस भी है इन में सेल वाल प्रेजेंट न होंगी उन सेल वाल प्लान एनिमल्स में प्रेजेंट न होंगी है ठीक है सेल मेम्ब्रेन इन में होंगी है तो जो सेल की आउटर कवरिंग इन में होंगी एनिमल्स में वह होंगी सेल मेम्ब्रेन जैसे प्लांट्स एलजी फंजी में होंगी सेल वाल होंगी उनके वरी सेल वाल के अंदर वरी होंगी उनके सेल मेम्ब्रेन होंगी जैसे एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन न होंगी इन में डायरेक्ट
सेल वाल सेल मेम्ब्रेन होंगी है, सेल वाल ना होंगी एनिमल की। ओके सो हाँ इन्हन में ज़ाहिर है एनिमल्स क्या होंगे, ऑटोट्रॉफन या हेटरोट्रॉफन? हेटरोट्रॉफन। हेटरोट्रॉफन ठीक है, तो तई पांच खादो पांच तैयार नतना है, तो ये समझे हेटरोट्रॉफन। अगर साचो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन वरी अलग चला, एनिमल्स में ग्रुप है असा कई पॉइंट नोट करे या तो ना ठाए मतलब सो ये एनिमल्स एनिमल्स जहाँ भी वही ग्रुप असा वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट नॉन वर्टिब्रेट। मींस के कणगे वारा आई बिना कणगे यार ठीक है, कणगे वारा आई बिना कणगे यार। तो हाँ इन में असा दिसो इनवर्टिब्रेट नाम दिजाए इनवर्टिब्रेट। तो इन में जो है वर्टिब्रेट में सिंपल शा हों बैकबोन प्रेजेंट हों ठीक है, जो भी एनिमल्स जिनमें बैकबोन आए तो वे शायद वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट में बैकबोन प्रेजेंट न हों ठीक है, ये बैकबोन आयो बैकबोन इज नॉट प्रेजेंट इनवर्टिब्रेट में, ये प्रेजेंट न हों जैसे वर्टिब्रेट में बैकबोन प्रेजेंट हों। तो एग्जांपल तुम सिंपल पाने करे सको जी मिसाल तौर इंसेक्ट्स या जो वर्म्स वगैरह वो इनवर्टिब्रेट में इंदा असो बर्ड्स एम्फीबियन ठीक है, फिशिज ये वर्टिब्रेट्स में उनका असा वो अच्छा वर्टिब्रेट वर्टिब्रेट्स की जो वही अलग क्लासिफिकेशन थल है। तो हाँ असि वर्टिब्रेट्स इनके वो पंज ग्रुप में विरा ठीक है, तो हाँ ये पंज ग्रुप आज असाजा तो इन वही अलग ग्रुप ठाया अस वर्टिब्रेट जहाँ वही सो इन क्लासिफाई क्या पंज ग्रुप में ठीक है, उनमें असाजा पे पे फिश उन एम्फीबियन रेप्टाइल ठीक है, आखिर में आया मेहमान। फिशिज की जो हों स्केल्स हों ठीक है, इन जो असो फिन्स हों ठीक है मूवमेंट ला मूवमेंट लाइ हों फिन्स हों के कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड। ओके सो कोल्ड ब्लडेड टर्म तुम बुधल हों सभी जो तकरीबन थदी रत वाले हों कॉन्स्टेंट टेम्परेचर न हों ठीक है, इन बॉडी टेम्परेचर मेंटेन अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट ठीक है, मेंटेन टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। असाजे वारम ब्लडेड एनिमल की क्लासिफिकेशन इन बुनियाद से विछल है, कोल्ड ब्लडेड वारम ब्लडेड जो वारम ब्लडेड उन्नो बॉडी टेम्परेचर जो हों कॉन्स्टेंट हों उनके वो मेंटेन कंदा है ठीक है, तो हेठ अचूँ असाजे उनका तो इन में मेन यो ही बाकी फिश जो एग ले वाटर में ठीक है, तो ये शाम में पानी में ही आना लाइंदी
उन एमपीबियन एमपीबियन के मकसद है एमपी बियान के मकसद है ड्यूअल लाइफ। ड्यूअल लाइफ मीन्स के खुश्क से भी रही सकन था त पानी में भी रही था सकन। ठीक है इन जी जका स्किन होंगी वह क्या होंगी मॉइस्ट होंगी माना इलाही तिरकणी इन जी स्किन होंगी। ठीक है पानी खुश्की बिन्हीं जगह पर रही था सकन। में जैसे अस दिसूं तो ये जी आना लाइन तकरीबन असो वाटर में ही जो डेदर है या ठीक है ये आना काथे लाइंदा वाटर में बो इन में ही जो ये असा ही फिश है कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है एमसीबीएन फिश है कोल्ड ब्लडेड है हाँ कोल्ड ब्लडेड के समझने की जरूरत ना चलो कर आया से एग्जाम्पल्स इनजा असा सिंपल दिसंदे तो वो इन कड़ा एग्जाम्पल है असो फ्रॉग बो टोड एलिमेंटर। ठीक है इन सांड्रे टाइप हों ठीक है जी माना केड़ी वागुर हों पर पानी में रहो। ठीक है ये असो सेलिमेंटर बो एक बो भी है अजा वाटर लिजर्ड वह भी समझा इन में एम्फीबियन में शामिल है। उनका रेप्टाइल हाँ रेप्टाइल से जो ये भी असाजे वर्टिब्रेट्स इन में हों स्किन तो ये स्किन इलाही ड्राई होंगी है उन हों स्केल्स हों। ठीक है स्केल्स मतलब छिलड़ा हों जिसम से जहाँ भी इन स्किन है उनमें छिलड़ा हों इलाही इन ड्राई स्किन होंगी है ये भी कोल्ड ब्लडेड जो कोल्ड ब्लडेड याद करो तो ये आमतौर से सवाल इंदो है तो एशियन में कड़ो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है टेस्टिस में इंदो है तो ये अस पैरियां टे इन में वर्टिब्रेट की क्लासिफिकेशन में फिशिज एम्फीबियन रेप्टाइल ये टई कोल्ड ब्लडेड बर्ड्स मेमल्स ये वारम ब्लडेड बस ये ब ग्रुप जो अस वारम ब्लडेड बाकी जी मत टई ये कोल्ड ब्लडेड। तो हाँ रेप्टाइल्स भी जी एग कना लैंड से। ठीक है बाकी रहा पानी में भी रही था सकन त खुश्क से भी लैंड वाटर बिन्हीं जगह पर रही था सकन हाँ इन एग्जाम्पल असन स्नेक है। ठीक है कामन के एग्जाम्पल दूँ बो है असो टर्टल जी कुमू हैं। ठीक है बो एग्जाम्पल कड़ो है इनको क्रोकोडाइल है। ठीक है ये सब शन रेप्टाइल एग्जाम्पल माना पानी में तो रहन भी पर आना लाइंदा वे काथे लाइंदा खुश्क से लाइंदा बाकी पांजे लाइफ माना या पानी में गुजारींदा या खुश्क बिन्हीं जगह पर गुजारे सकन। हाँ अच्छा बर्ड्स से तो बर्ड्स वर्टिब्रेट है हाँ इन में इन फोर लिम्स उमें चेंज थल उनदर्स में। ठीक है जी विंग्स होंगे फोर लिम्स उनमें इनके लेग्स होंदन फोर लिम्स मीन्स आर्म वार्न उमें चेंज थल पीदर्स या विंग्स भी कोटी होता है उनमें चेंज थल। ठीक है ये भी एग लेकिन एग लैंग एनिमल्स उन में वारम ब्लडेड है। ठीक है मेन प्रॉपर्टीज लिखा इन सो टीथ इन कन्वर्ट थल शाम बीक में शाम चेंज थल इन बीक में। ठीक है तो हाँ जो इन में भी किस्म फ्लाइटलेस बर्ड्स भी हूँ इन में फ्लाइंग बर्ड्स हैं। ठीक है बया शा फ्लाइट लेस माना जी उडामी नो तो उन्हें विंग्स इलाही रिड्यूस थे फ्लाइटलेस बर्ड जो एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच या बो कड़ो है कीवी। ठीक है
ये बाय एग्जांपल सन फ्लाइट लेस बट ब्या भी आइन काफी एन बराल माना जे के मुख्य देन में चंदा तो ये बाय एग्जांपल सन तो इनन मा के फ्लाइट फ्लाइंग बर्ड्स है नहीं कुछ इनन मा फ्लाइट लेस बर्ड्स है ओके उन का पोसा जो मैमल्स दे त हन मैमल्स वर्टिब्रेट एंड जाहिर आइन शाइन वारम ब्लडेड भी आइन ई ऐसा तो बर्ड्स आइन मैमल्स बई चाहे वारम ब्लडेड है आई ही क्या करना है ही द यंग वंस आन मिल्क ठीक है जेको खादो है इन जो नंदा जेके आए नवा जेके इन जा बच्चा उनके छा प्यारी ना है खीर प्यारी ना है के तो मेमल की बी जेका है इनन के जेको सो एयर से होता है थोड़ा जेका एयर पिना है या छा होंदिया बाहर निकल आउंदिया वडा हुंदा त एयर इनन के जिस्म ते छा हुंदा है असा जो हेयर तो हुंदा है या फर जन असा जो माना वो जेका पश्चिम टाइप जी उन के होंगे ऐ बियो इनन में जेको तो मेमल दे ने एकरी बी भी खासियत है जेका इते ना असा पा थोड़ो डिस्कस कर इनन में जेको तो चेस्ट में छा हुंदा डायाफ्राम हुंदा डायाफ्राम ता डायाफ्राम ता मका जो पढ़ेला है डायाफ्राम क्या है एकड़ो मस्क्यूलर आर्गन आए असा जे चेस्ट में जेको मस्क्यूलर आर्गन टिश मस्क्यूलर टिश्यू जो ठेला है जेको असा जे इन का हेठी जगह एब्डोमिनल कैविटी आ ये चेस्ट वाली कैविटी इन के चालू करें अलग तो करें ठीक है ये असा के साह खण में मदद कर जैसे माना अस अंदर साह खणा तो ये असो जो सो मथे है डायाफ्राम ठीक है छाती की जो साइज है उनके बधाई है जो मैक्सिमम जो हवा है वह अंदर फिफड़न तीन पहुंची सके ठीक है तो यो भी इन की मेन खासियत डायाफ्राम मैमल्स में ही बे कें भी उन्होंने एनिमल्स में ना ओके तो ये मेन जो इन जो करेक्टरिस्टिक एनिमल्स जो हाँ अचो इनवर्टिब्रेट से तो इनवर्टिब्रेट्स में असो क्लास फाइव में इनमें मेन बन एक असा इंसेक्ट ठीक है बयान असा वर्म्स इंसेक्ट्स में तो खबर है तक इंसेक्ट्स के हूँ थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स हूँ इन में ठीक है इंसेक्ट्स में हूँ थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स माना थ्री पेयर्स तो माना घणी लेग्स थी हैं तो इन करके हेग्जा पोडा भी चाहता हूँ हेग्जा माना छह पोडा मीन लेग्स या फीट तो एनिमल इन इंसेक्ट्स इन यो भी असा चाहता इन में जो सो वन या मेनली टू कदें कदें वन न तो मेनली टू पेयर्स ऑफ क्या हुंदा है वेंग्स हुंदा है ठीक है तो जेके भी असा इंसेक्ट्स हैं उन्हें में जेकर दिसना असा तो पेयर्स घना विंग्स जो घना पेयर्स हुंदा मतलब चार विंग्स हुंदा उन्हें में मौजूद ठीक है बाकी कदें कदें एक जी मिसाल तौर असा जो ये है मॉस्किटो है इन में असा जो है एक हुंदो है ठीक है इन में असा मॉस्किटो जो इन में घना पेयर हुंदा है विंग्स डेंबू में बंदा एक अग्न हूं रिड्यूस टाइप माना एंटीना टाइप सख्त हूं इंसेक्ट में भी एक खासियत होंगी तो इन में कंपाउंड आय होंगी मतलब इन की आय कंपाउंड जो मकसद उनमें असा आय में एक लेंथ लगल है इनमें केतरा ही लेंथ माना हजारे लेंथ लगल हूँ उनके माना अगते पौधे जारे तरह ढी सदा गु मतलब जो लाइट है उनके फील कर सकता है उन गुड इनके एंटीना होंगी इन एंटीना ठीक है किथे होंगी न एंटीना इन में एक पेयर एंटीना जो लगल हों मथे माना उन थ्रू जो असो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ हीट टेम्परेचर वगैरह मतलब ये सेंसरी आर्गन है उन्होंने ठीक है ये फील कह वो एक पेयर मतलब ब एंटीना जी तेज वो हेठवारी रीजन में उन्हें लगल हों ठीक है
काई जे के असन दितो तो ये साखण ना तण ये लाई डीप थी दो तो बराल पोड लिखी चढ़े दई स्पायरिकल जे थ्रू साखण में स्पायरिकल ठीक है स्ट्रक्चर आने जे को थोरैक्स वाली रीजन आ सो इनसेक जे ट्रे रीजन होना हेड थोरैक्स आई एब्डोमेन तो जे को असन यो लेग्स आने वो कड़े रीजन में होदी है थोरैक्स वाली रीजन में होदी है ठीक है वो माना ये क्लास टेंथ जो कम बहरहाल माना इन में यो नोट करे छले तो जेके इंसेक्शन वो सा खाना है क्या जतरो स्पायरिकल जतरो नंगड़ा नंगड़ा थोरा खेन जेके ने जो थोरैक्स वाली रीजन आ में हुंदा नहीं है ठीक है जे कोई ने जो धड़ आ उन में नंगड़ा नंगड़ा थोरा खेन जिन जे थ्रू है रेस्पायर करना है ऐसा देख और हो ना पता है ना मैं पढ़ाऊं ता तो इनवर्टिब्रेट होना है तो अंदाज होन तो बैकबोन केतरो वडो होंदो इनन में यो डायाफ्राम जो का पार्ट्स में होंदो ना डायाफ्राम मेमल्स में होंदो मेमल्स में होंदो जो मेंटिंग बा अजन डायाफ्राम देखो क्वेश्चन आयलो माने जे के असन ने फुड ते अछौ तो ही जे के इंफेक्ट है ना ता जा तो इनन जो फुड क्या है नेक्टर आए ठीक है या नेक्टर है या जो ह्यूमन जो है लिक्विड जो बॉडी में या ब्लड है जो असो ये है मॉस्किटो है ठीक है या अड़ा इंसेक्ट घने कदर जो वे गुलन जो जो नेक्टर है वो खड़ा उनके थ्रू ही वही गुलन की फर्टिलाइजेशन में भी हिस्सों वाला उनका गड हाँ ये अस इंसेक्ट वर्टिब्रेट में नॉन जो इनवर्टिब्रेट में असो बो ग्रुप पढ़ो वो हो वर्म्स हो ठीक है वर्म्स भी इनवर्टिब्रेट उनकी बॉडी कें होंगी ये सेगमेंटेड होंगी ठीक है डिफरेंट सेगमेंट्स में विरायल होंगी इनकी बॉडी क्या होंगी सॉफ्ट होंगी होंगी सेगमेंटेड होंगी मेनली ये तो जो वर्म्स ये रहा किथे अंडरग्राउंड रहा है ठीक है जमीन में रहा इन जो एग्जांपल असूँ तो वर्म्स एग्जांपल कड़ो है अर्थवर्म ठीक है इनके एग्जांपल खड़ी था सकूँ तो अर्थवर्म सभी तकरीबन दिखो हों ठीक है तो यो जमीन में ही रहा है जी वर्म्स इनकी बॉडी सॉफ्ट होंगी है घण कदर सेगमेंटेड भी होंगी है ठीक है रहा अंडरग्राउंड अर्थवर्म इन एग्जांपल है हाँ असो एनिमल्स हुआ इनकी क्लासिफिकेशन इतने कंप्लीट थी सुबह वही प्लान की क्लासिफिकेशन सही।